अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। HBL PSL 9 लॉ क्रंदर वर्सेस कराची किंग्स, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। और देख, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, फोर्थ टेस्ट डे 2 कम्प्लीट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लॉ क्रंदर वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स बीट बाई लॉ क्रंदर बाई 2 विकेट्स। देखा जाए तो लॉ क्रंदर की बैटिंग के ऊपर बात करें तो साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बैट्समैन इनका नी सेंचुरी ना कर सका। 72 रन किए साहबजादा फरहान ने और नॉट आउट रहे, और इनकी 4 इनिंग्स के अंदर 30 नी सेंचुरी HBL PSL में। अगर साहबजादा फरहान की बात करें तो इन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बिफोर PSL जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान का, उसमें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उसी रीफ फॉर्म को ये लेके चल रहे हैं अपनी HBL PSL 9 के अंदर। सरदार फरहान ने 72 स्कोर बनाए, कोई नॉट आउट रहे, और इसके अलावा रसीवन रुसान ने 26 स्कोर बनाए। रसीवन रुसान का हालांकि स्टम्प मोहम्मद इखलाक ने मिस कर दिया था। मोहम्मद इखलाक इस नॉट अ स्पेशल स्कीपर, उन्हें स्पेशल स्कीपर की जगह मोहम्मद इखलाक को डाला कि चलो उसकी कमी बेशी पूरी करे। उन्होंने नहीं समझा कि हम स्पेशल स्कीपर को बनाए, मोहम्मद इखलाक इज बेटर एज कम्पेयर स्पेशल स्कीपर। ऐसे कराची किंग्स की मैनेजमेंट का सोचना है, जो इसी वजह से हालांकि वो खमियाजा भुगत सकते थे कि उन्होंने स्टम्प मिस किया सबरे शमशी की गेंद पे। ये होता है कि एक स्पेशल स्कीपर और एक अनप्रोफेशनल कीपर की बदौलत ये मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन थैंक यू सबरे शमशी जी, उन्होंने अपने वेरी एक्स्ट्रा ओवर में उन्हें HBW आउट कर दिया। उन्होंने DRS लिया लेकिन इसी वजह नुकसान आउट हो गए, क्योंकि DRS ना भी लेते तब भी आउट था, फिर भी आउट था। DRS लगवा भी साफ आउट था। अगर रसीवन रुसान LBW ना होते तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होते थे, क्योंकि वो HBL PSL 9 के 2 अपनी डिफ्रेंसीज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बात करें फखर जमान की, फखर जमान स्टिल आउट ऑफ फॉर्म है। इनका हाइएस्ट स्कोर अभी तक इस HBL PSL के अंदर 41 है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान इन मुल्तान। उसके अलावा उनकी लास्ट फ्यू इनिंग्स में 3 इनिंग्स देखी जाएंगी, इनका कोई डबल फिगर में शामिल नहीं हो सके। 4 मैचों में सिर्फ एक मैच में उन्होंने 41 स्कोर हाइएस्ट बनाया, बाकी 3 मैचों में वो डबल फिगर में भी शामिल नहीं हुए। बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। आज देखा जाए फखर जमान नॉट कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल रहे, क्योंकि मोरल डाउन है और स्कोर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नुकसान लॉ क्रंदर को उठाना पड़ रहा है। उसके बाद देखा एहसन नफीस ने 8 स्कोर बनाया, जहानदार खान ने 12 स्कोर बनाया, सही होप जो आज स्पेशलिस्ट कीपर खिलाया अब्दुल्ला शफीक की जगह, उन्होंने आज उसे खिलाया। क्योंकि उससे पहले अगर देखा जाए तो साहबजादा फरहान कीपिंग कर रहे थे, साहबजादा फरहान इज नॉट अ स्पेशलिस्ट कीपर, लेकिन आज सही होप को खिलाया अब्दुल्ला शफीक की जगह, उन्होंने 21 स्कोर बनाया। और जॉन लिन ने 26 स्कोर की इनिंग्स, 13 गेंद पर 26 स्कोर की इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके 1 छक्का मारा था। अगर बॉलिंग की बात की कराची किंग्स की, 2 विकेटें मीर हमजा ने हासिल की, 2 विकेटें हसन अली ने हासिल की, 2 विकेट तबरेज़ शमशी ने हासिल की। इसके अलावा और कोई बॉलर नहीं जो विकेट ले सका। तबरेज़ शमशी ने 4 ओवरों में 42 स्कोर दिए, 2 विकेटें हासिल की। और अगर उसी बाकी डैनियल सैम्स ने 4 ओवरों में 52 स्कोर दिए, 13 के इकॉनमी साथ उन्होंने स्कोर पड़ा डैनियल सैम्स को। लेकिन आज उनका दिन नहीं था। देखा जाए उनका लास्ट ओवर तो बहुत ही वीक बॉल उन्होंने लास्ट ओवर फेंका जॉर्डन को, जिस पर वो उन्हें ईजली उन्हें बाउंड्रीज मिली। उमीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आने उनके लास्ट ओवर थोड़ा कहते हैं ना कि उस पर थोड़ा स्कोर पड़ा है, साहबजादा फरहान ने मारा, लेकिन ओवरऑल 4 ओवर में 31 स्कोर दिए, 2 विकेट हासिल की। अब बात करते हैं कराची किंग्स की बैटिंग के ऊपर। कराची किंग्स समझ नहीं आई, पावर प्ले में ही 4 विकेटें गवा बैठी, 6 ओवर में 44 स्कोर बनाए, 4 खिलाड़ी आउट हुए। और देखा जाए कराची किंग्स के प्लेयर्स को बहुत जल्दी थी, मुझे समझ नहीं आई किस बात की जल्दी थी, जल्दी स्कोर करना था, क्या करना देंगे, बच्चे रो रहे थे, क्या था वर्ड्स वाइवर। कराची किंग्स वाले यही बता सकते, कराची मैनेजमेंट ही बता रहे थे कि किस बात की इन्हें जल्दी थी कि पावर प्ले के अंदर ही 4 विकेटें गवा दी। अगर जिस टीम की 4 विकेटें पावर प्ले में हो जाए तो स्कोर चेस करना इज़ नॉट दैट ईजी। मेरी गल से कम नहीं है, 6 ओवरों में 44 स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हो गए, ऊपर की यानी कि टॉप 4 बैट्समैन उनके आउट हो गए। फिर उसके बाद थैंक्स टू शुएब मलिक के कहने पर 95 रन की पार्टनरशिप जिन्होंने बनाई और मैच की बुनियाद रख दी। जबरदस्त कैरन पोलार्ड ने 58 की इनिंग्स खेली, 33 गेंदों पर जिसमें उन्होंने 1 चौका 5 छक्के शामिल है कैरन पोलार्ड के। अगर देखा जाए तो शुएब मलिक और
कैरम पोलार्ड दोनों के अगर T20 स्कोर निकाले जाए 25,000 प्लस रन है दोनों के इंक्लूडिंग शोएब अली के और कैरम पोलार्ड के मिलाए जाए स्कोर 25,000 प्लस उनके स्कोर है और वही एक्सपीरियंस देखे ना आज काची किंग्स के काम आया। काची किंग्स ने मैच ही कैरम पोलार्ड और शोएब अली बनाया जो 95 स्कोर की पार्टनरशिप चली। हाँ अगर ये दोनों में से कोई एक आउट हो जाता तो इम्पॉसिबल था काची स्कोर चेज कर पाती, लेकिन थैंक्स टू कैरम पोलार्ड एंड शोएब अली बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली जो उन्होंने। जितनी तारीफ हुई है दोनों की इनिंग्स की उतनी कम मैच की बुनियाद रखती मैच को ले आई लाइन के ऊपर, जहाँ वो कहते हैं ना कि विनिंग विन प्रोबेशन 80-20 चल रहा था वहाँ 50-50 पे ले आए फिर ये लोग मैच को इतनी कमानी पोजिशन के ऊपर ले आए थे। 58 स्कोर बना के आउट हो गए। शाहिन शाह अफरीदी गेंद पे कवर पे कैच पकड़ा गया उनका, वसीबन रुसान ने उनका कैच पकड़ा। शोएब मलिक हाई सोफी गेंद पे 39 स्कोर बना के आउट हुए और शाहिन अफरीदी ने राइट साइड पे 15 मीटर भागे और उन्होंने कैच पकड़ा। इट्स नॉट एट ईजी 15 मीटर भागे अंडर सब ऑफ द हाई कैच पकड़ना, लेकिन बहुत अच्छा कैच बोला शाहिन अफरीदी साहब ने। उसके बाद इरफान खान आए उन्होंने 12 स्कोर बनाए 10 गेंदों पे। हसन अली ने 9 स्कोर बनाए जो आपके यहाँ में छक्का मारा वो आप सबको पता है। वहाँ मैच उसने बुनियाद रख दी थी कि अब ये मैच का चिकिंग जीते जीते, लेकिन उसके बाद हारिस ने बड़ा प्यारा कैच पकड़ा हसन अली का। उसके बाद लास्ट गेंद जैसे फेंकी उन्होंने ऐच निकला चौका बना चौका मिल गया और कराची किंग्स ये मैच जीत गया। अगर देखा जाए ना शान मसूद बैड परफॉर्मेंस और बैड चल रहा उनका बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं HBL PSL 9 के अंदर। कोई उनकी अच्छी कोई नहीं सिंगल नहीं सेंचुरी भी नहीं HBL PSL 9 के अंदर, लेकिन उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कैरम पोलार्ड शोएब मलिक का जिन्होंने मिड ऑर्डर संभाला हुआ स्कोर को किया है। मोहम्मद नवाज एजुदल भाईजान आसिफ अली की तरह ये भी भाईजान और खुद ही शाह की तरह ये भी नल्ले ही निकले हैं जल्दी आउट होकर चले गए 15 स्कोर बना के। बेशक नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉल फेंकी अनप्लेएबल डिलीवरी फेंकी सलमान खान ने, लेकिन यार मतलब इतना तो एक्सपीरियंस आपको हो गया कि आप बॉल को जज कर सकें। चले एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉल फेंक दी उसने आप आउट हो गए, लेकिन आप उसी वो जो यॉर्कर उसे आप पढ़ ना सके। स्लो बन यॉर्कर था बहुत प्यारा यॉर्कर था, अगर आप देखें तो भाईजान जज ही नहीं कर पाए बॉल को लाइन बीट कर गए क्या बीट कर गए वो मोहम्मद नवाजी पे तो बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो शाहिन अफरीदी ने 4 ओवर में 34 स्कोर 1 विकेट, सलमान खान ने 4 ओवर में 25 स्कोर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की 2 विकेटें हासिल की, ऐसे नफीस ने 2 ओवर में 19 स्कोर 2 विकेटें हासिल की, जहानदार खान ने थोड़ा इकॉनमी का एक्सपेंसिव रहा 4 ओवर में 44 1 विकेट हासिल 11 गेंद उन इकॉनमी रेट से उन्होंने रन दिए। जॉर्डन ने 2 ओवर में 25 वो उन्हें तो पोलार्ड ने थोड़ा ने मलिक ने चौका मारा फिर उसके बाद उसी ओवर में पोलार्ड ने छक्का मारा फिर अगले ओवर में पोलार्ड ने उसे छक्का मारा लेग साइड पे। हारिस ऑफ वाओ इससे पहले 3 मैचों में उनकी 1 विकेट और 10.86 का इकॉनमी रेट था हारिस ऑफ का, लेकिन इस मैच में भाईजान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की 4 ओवर में 25 स्कोर दिए और 1 विकेट हासिल की और इम्पोर्टेंट विकेट हासिल की शोएब मलिक की। लेकिन कराची किंग्स का दिन था, कराची किंग्स ने मैच जीत लिया है और पॉइंट्स टेबल पे 4 पॉइंट्स उन्होंने हासिल कर लिए कराची किंग्स ने। देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच था और आज अगर देखा जाए तो तमाशे की तरह भी 23,200 थी कराची किंग्स और लॉक रन के मैच में। कहते हैं ना कि बड़ी हमारी मीडिया का जैसे एल क्लासिको कहा जाता है, जैसे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एल क्लासिको की तस्वीर आती, लेकिन इतनी नहीं देनी चाहिए। मैड्रिड बार्सिलोना एक ही लेवल है, इतना भी आपने हाइप क्रिएट कर दिया, लेकिन एनी हाउ अब क्या कह सकते हैं मीडिया ने तो हाइप क्रिएट की हुई है। अगर देखा जाए तो पॉइंट टेबल पे मुल्तान सुल्तान स्टील पहले नंबर पे, क्वेटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पे, कराची किंग्स तीसरे नंबर पे आ गए 4 पॉइंट के साथ, लेकिन इनका रन रेट अभी भी -0.420 है। अब बात करते हैं जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच Day 2 कम्प्लीट हो चुका है। देखा जाए तो इंग्लैंड इन अ कमांडिंग पोजीशन, इंडिया स्टिल बिहाइंड 134 रन्स और इंग्लैंड टोटल, लेकिन कहते हैं ना कि जब रोहित शर्मा आउट हुए 4 स्कोर पे उसके बाद जयसवाल और शुभमन गिल की बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप चली 82 रन की पार्टनरशिप चली, उसके बाद
आप देखते हैं ये देख चल भी रही है कि शुभमन गिल LBW होते हैं, उन्होंने रिव्यू लिया जयसवाल ने, उन्हें कहा आने के उस टाइम शुभमन गिल इज नॉट कॉन्फिडेंस अबाउट रिव्यू, लेकिन शुभमन गिल इज नॉट कॉन्फिडेंस, लेकिन जयसवाल ने कहा रिव्यू ले लो, लेकिन कहते हैं ना रिव्यू ज़ाया किया, रिव्यू लॉस किया क्योंकि अंपायर्स कॉल नहीं थी, तो जैसा साहब वो आउट हो गए चले गए शुभमन गिल। उसके बाद कहते हैं ना कि कोई भी बैट्समैन इनका प्रॉपर नहीं चल सका, कोई भी बैट्समैन जैसा गया तो शुभमन गिल 38 स्कोर बना के आउट हुए, फिर परिटर 17 स्कोर बना के आउट हुए, रविंद्र जडेजा 12 स्कोर बना के आउट हुए, सरफराज खान जो पहले लास्ट टेस्ट में दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी की थी, इसमें इस इनिंग में 14 स्कोर बना के आउट हो गए, और जो इनका कीपर है जो वाल जिसे मैं कहता था लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं किया अभी तक वो खड़ा है 30 स्कोर पे, जलील अशफन 1 स्कोर बना के आउट हो गए थे और उनका साथ दे रहे हैं कीपर का साथ दे कुलदीप यादव 217 स्कोर पे खड़े हैं, इंडिया ने 219 स्कोर बना लिए, उसमें 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर हम जयसवाल की बात करें भाईजान ये लड़का कमाल खेल रहा है, कमाल ये लड़का खेल रहा है कमाल, इसने इस इनिंग्स तक मिला के ना इसने अभी तक 58 चौके मारे हैं और 23 छक्के मार चुका है ये लड़का इस सीरीज के अंदर, 58 चौके और 23 छक्के, वाह ग्रेट प्लेयर यार, बेशक 73 स्कोर बना के आउट हुआ लेकिन बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, 500 प्लस रन कर चुका है इस सीरीज के अंदर, कमाल खेल रहा है ये लड़का कमाल। अगर इसकी देखा जाए ना मिडल जो इसका बैटिंग नॉक द बैटिंग स्टाइल खेलते वक्त इसका इस सीरीज के अंदर देखा जाए तो जयसवाल साहब इसका जो कंट्रोल है ना कंट्रोल इस इनिंग्स के अंदर 85% था, 85% कंट्रोल था बैटिंग के दौरान, और इसका जो मिडल कर रहा था ना बैट 79% कर रहा था इस प्लेयर। अब जब एक बैट्समैन इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहा और परफॉर्म करता आ रहा तो उसे आउट करना इस नॉट एज इजी, लेकिन थैंक्स टू शोएब बशीर जिन्होंने इसे आउट किया, और आज शोएब बशीर का दिन था भाई, शोएब बशीर ने 4 विकेट हासिल की, कहते हैं ना कि मैच की बुनियाद रख दी उसने। अलग देखा जाए तो पेटर पहले ही ओवर में जब वो खेलने आए थे पहले या दूसरी गेम पे आउट हो जाएगा, उन्होंने वहाँ फील्डर लिया होता लेकिन वो फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था जिसकी वजह से कैच आगे टिप पड़ गया था मिड विकेट की, तो फील्डर थोड़ा पीछे कर रहा था, मिड विकेट वाला थोड़ा आगे होता तो कैच पकड़ा गया था, लेकिन शोएब बशीर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 32 ओवर फेंके आज उन्होंने, 84 स्कोर बनाए और 84 स्कोर दिए, 32 ओवर 84 स्कोर दिए और 4 विकेट हासिल की। उनका साथ जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को पहले 4 स्कोर पर आउट कर दिया था तो 1 विकेट हासिल की, और अगर टॉम हार्टली ने 2 विकेट हासिल की। इंग्लैंड इस टेस्ट मैच के अंदर आज सीजन के अंदर देखा जाए तो कमांडिंग पोजीशन में 134 रन हेड है इंडिया से, अब देखते हैं सुबह इंडिया कितना इसे कम से कम कर सकता है या इंग्लैंड से कोशिश करें, इंग्लैंड 100 अबव की लीड दे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ही, उसे फर्स्ट 10 आवर्स में ही इन्हें आउट कर दे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि सुबह होगा तो सुबह जब मैच स्टार्ट होगा तो पता लगेगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है डे 3 के अंदर। एनीवेज कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर अपने कमेंट्स में सजेशन दीजिएगा प्लीज़।